आपने ये कुमारी शैलजा के मुद्दे को अब छोड़ दीजिए, अब तो एक मंच पे आपने देखा आ गए, और राहुल गांधी देखिए उल्टा पलटवार उसी मुद्दे पर कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। संविधान दलितों का मुद्दा जो लोकसभा में चल गया था उनके पक्ष में, एक बार फिर से उसी मुद्दे पर आ गए। आपको लगा कि कुमारी शैलजा का मुद्दा बनाएंगे दलितों के मुद्दे पर, शायद वो पीछे हट जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं है? सिद्धार्थ बोलिए। देखिए माना जी, सबसे पहले योगेंद्र यादव जी आपको कह रहे थे कि आप भी कुछ भविष्यवाणी कर दीजिए। आपको डरना नहीं चाहिए, क्यों डर के पीछे हटना है? आप बिल्कुल फ्रंट फुट पे आकर के भविष्यवाणी करिए। योगेंद्र यादव जी भी ऐसे ही कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी भविष्यवाणियां हुई थी, परिणाम तो प्रदेश की जनता तय करेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि आप भी अपना इसमें शेयर रखते तो कोई गलत नहीं था। रही बात दलितों की, अब आप कह रहे हैं कि हम मुद्दा छोड़ दें, पर कुमारी शैलजा तो खुद 15 साल से इस मुद्दे को नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से दलितों पर प्रताड़ना हुई, इसको लेकर के सबसे मुखरता से जब वो केंद्रीय मंत्री थी वो खुद कहा करती थी। आज जब वो ये कह रही है कि मुझको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि मैंने मुख्यमंत्री का दावा पेश कर दिया, उसके पीछे बहुत दर्द है। अब ये देखिए, मेरे पास कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं मानक जी। इस मीडिया रिपोर्ट्स में कुमारी शैलजा जो यूनियन मिनिस्टर थी, ये वो यूनियन इसमें कहती हैं हरियाणा में दलित होना पाप है, हरियाणा सरकार लापरवाह और छोटी मानसिकता वाली, शैलजा इट्स अ सिन टू बी अ दलित इन हरियाणा, यूनियन मिनिस्टर कुमारी शैलजा। ये सब 2013-18 अक्टूबर की रिपोर्ट है, अलग अलग बड़े अखबारों की, टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट है। अब जब प्रदेश की जनता को वो दिन याद है, कैसे मिर्चपुर का कांड हुआ था, कैसे दलितों को अलग पंक्ति में बैठाया जाता था, किस प्रकार से दलितों की प्रताड़ना होती थी, तो वो प्रदेश की जनता तो भूलेगी नहीं। अब किसी प्रकार से राहुल गांधी यहां पर आए और वो कोशिश करें कि मैं आई वॉश कर दूं पुरानी उन सब चीजों पर, और मैं संविधान की झूठी बात आकर के बोल दूं, तो ये तो उनको हुड्डा जी को सिखाना चाहिए था। जब शासन में थे तभी तो आपकी नीति पता लगेगी। अच्छा, आपकी भविष्यवाणी क्या है? तो आपने आरक्षण का कभी, आपकी भविष्यवाणी क्या है सिद्धार्थ हरियाणा को लेकर? आप भी वहीं से आते हैं, बता दीजिए। देखिए मैं मानक जी, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बात कहूंगा, मेरा काम भविष्यवाणी का नहीं है, वो काम मैं आपको सौंपता हूं। मैं तो कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। हाँ। हम तो जी जान से मेहनत में लगे हुए हैं क्योंकि हरियाणा की सूरत सुधारनी है। कमाल कर रहे हैं सिद्धार्थ, कमाल करते हैं आप भी सिद्धार्थ। पीएलयू की गैंग चलाई थी सिद्धार्थ कुछ दिन पहले तक, बताइए अब की बार 400 पार कहते कहते थकते नहीं थे आप? क्या हो गया अचानक कॉन्फिडेंस को आपके? कोई दावा ही नहीं कर रहे आप हरियाणा को लेकर? नहीं नहीं, मैं मानक जी मैं तो अभी परसों तरसों आपके शो पे बैठा था। हाँ। मैंने आपको बड़ा क्लियर कहा था, प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। हाँ। अब मैंने सोचा कि आज मैं वो रिपीट ना करूं। हाँ। ताकि आप और योगेंद्र यादव जी बुरा ना माने, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नहीं तो प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी भविष्यवाणी से मैं क्यों बुरा मानने लगा? आदेश की तबीयत ठीक नहीं। आदेश, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, थैंक यू। लेकिन आपकी थैंक यू आपकी आपकी भविष्यवाणी से हम क्यों बुरा मानने लगे भाई? सबको अपना अपना हक है, और चुनाव के समय तो सब लोग मैं एक अंतिम बात बोल हाँ, बोलिए बात बोलना चाहता हूं। बोलिए जी। अब मानक जी, आज राहुल जी ने जिस प्रकार से हरियाणा में जाकर के जो वास्तविक विषय थे उनको तो छोड़ दिया, और जो झूठ परोसने की बात करी, एक बार तो आप उनको भी बोलिए। अब देखिए, आपको भी हंसी आई होगी जब उन्होंने कहा होगा कि मैं किसान ही जानता हूं। अरे फोटोग्राफी का सेशन कोई किसानी थोड़ी है, किसानों का अपमान मत करिए। आप जाकर के कहें कि मैं 20 कैमरामैन ले गया था और मैंने एक बार फोटो खिंचवाई तो मैं किसानी जानता हूं, ऐसे किसानी नहीं चलती। अरे आप राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, वो ये कह रहे हैं सभी फसलों पर MSP दे रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आप हजारों करोड़ रुपया उनकी छवि खराब करने के लिए खर्च कर चुके लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, वो डटे हुए हैं अभी भी। मानक जी, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या राहुल जी की छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ों की जरूरत है? जो वो भाषण दे रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में खड़े होकर के, जिनको ये नहीं पता कि मनमोहन सिंह पे ने जो वादा किया था वो कश्मीरी पंडितों को किया था और POK से आने वाले शरणार्थियों को नहीं किया था, और वो भाषण में बोलकर आ जाए, किसी का खर्चा होगा छवि बिगाड़ने में? अरे हर जगह जाकर के खुद ही अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करते हैं, हमने थोड़ी कुछ कहा है उनको। अब वो ये सौभाग्य हो सकता है किसी और का कि जहां वो जाते हैं कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाता है और उसका आनंद हो सकता है हम भी लें, पर उनकी छवि बिगाड़ने के लिए किसी को आवश्यकता नहीं है। आज जो भद्दा मजाक वो हरियाणा की जनता और किसानों और जवानों के साथ करके आए हैं, मैं मानता हूं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा तो वो प्रदेश है जिसने जवान दिए इस देश को सबसे ज्यादा, और आर्टिकल 370 हटाने की वकालत करने वाली कांग्रेस पार्टी वहां पर रैली कर रही है और कर कहां रही है?
पहली रैली को, मानक जी 10 सेकंड और दीजिएगा, पहली रैली का स्थान कहां चुना गया? असंध चुना गया। असंध के प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी ने क्या कहा? उन्होंने कहा सत्ता तो आने दीजिए, पहला हम अपना घर कर भरने का काम करेंगे। आप कहोगे तो मैं वीडियो सुना सकता हूं, जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े होकर के कह रहा है कि पहले हम अपना घर बनेंगे, 50-50 वोटों पे एक नौकरी देंगे, वहां राहुल जी गए हैं मोहर लगाने हुड्डा के खर्ची पर्ची गैंग के मॉडल पर। अच्छा, पर हरियाणा की जनता उसको मोहर नहीं लगाई। अच्छा ठीक है, एक सवाल और उसके बाद अनुपम और विजय जी, अरे अब तो राहुल गांधी को थोड़ा गंभीरता से लेना शुरू कर दीजिए आप। अनिल विज, बीजेपी के और नेता अभी भी यही कहते हैं, नहीं राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को नुकसान होता है, बीजेपी जीत जाती है। अब कहा आप तो 99 सीट पर वो आ गए, गठबंधन बनाकर आपको बहुमत से नीचे ले आए, और हरियाणा में भी कांग्रेस, सारे विश्लेषक कांग्रेस को आगे बता रहे हैं, अभी भी आप राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते, हल्के में लेते हैं। देखिए मानक जी, हमें उनको गंभीरता से लेने में कोई समस्या नहीं है, दो कठिनाइयां होती हैं, मैं दोनों आपके सामने बता देता हूं। पहली कठिनाई तो यह है कि 52 से ऊपर चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हार चुकी, उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती, तो यह बोझ हमारे कंधों पर क्यों है? तो ये एक्स्ट्रा बर्डन आप हमको मत दीजिए। रही दूसरी बात, हम जब जब उनको गंभीरता से लेते हैं तब तब मन को उतना ही कष्ट पहुंचता है, क्योंकि अगर हम उनको गंभीर मानेंगे और एलओपी के नाते वो अमेरिका में जाके इल्हान उमर के साथ बंद कमरे में मीटिंग करेंगे, जो भारत के विरोध में साजिश करती है, जो स्टेट पाकिस्तान की स्टेट फंडिंग में पीओके पे जाती है, जो भारत के खिलाफ प्रस्ताव लेकर के आती है, तो कष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम उनको गंभीर लेंगे और एक आतंकवादी, छठा हुआ आतंकवादी उनके समर्थन में पत्र लिख देता है और वो चुप हो जाएंगे तो कष्ट होगा। कई बार कुछ गंभीर चीजों को मजाक में छोड़ देते हैं तो कष्ट कम होता है।